कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली है 5 समांतर श्रेणी। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये ध्यान पूर्वक समझने हैं। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नावली में से अधिकतर सवाल बोर्ड परीक्षा में उदाहरण से आते हैं, तो आपको ये विशेष तौर से देखने हैं और आसान भी है। तो देखो क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 10.7.4, फिर ऐसे डॉट 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 का 30वां एवं एनवा व्यापक पद ज्ञात कीजिए। हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है। अब देखो समांतर श्रेणी को आप शॉर्ट में एपी से लिख सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका मतलब समांतर श्रेणी होता है। तो समांतर श्रेणी कितनी है, 10.7.4 ऐसे डॉट 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 का 30वां पद। देखो 10, फिर 7 आ गया, फिर 4 आ गया, मतलब कम होता जा रहा है, फिर 1 आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते 30 नंबर पे कितना आएगा वो आपको बताना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखो किसी भी समांतर श्रेणी का 30वां ज्ञात करना हो या फिर एनवा पद ज्ञात करना हो, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। और सूत्र क्या होता है बेटा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, अब देखो इसमें समझ लो, ए एन इसका मतलब अंतिम पद, एन का मतलब अंतिम पद, ए का मतलब प्रथम पद, एन का मतलब पदों की संख्या और डी का मतलब होता है आपके सार्वंतर। ठीक है, अब देखो यहां से हम ये सभी मान ज्ञात करेंगे। जैसे देखो ए मतलब पहला पद, तो बताओ बेटा पहला पद कितना है इसमें, 10, जो सबसे पहले है तो पहला पद हो जाएगा आपके 10। ठीक है, अब देखो एन पदों की संख्या मतलब कौन से नंबर का पद ज्ञात करना है, 30 नंबर का, तो n का मान कितना हो जाएगा आपके 30 हो जाएगा। और d का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको, लगातार दो पद लेने हैं आपको, पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है, कोई से भी लगातार दो ले लो, पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो। अगर मुझे d ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों ले लिए मैंने, 7 में से कितना घटाऊँगा, 10 घटाऊँगा, तो बताओ कितना बचा, 3, और 3 किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। अब देखो ये 1, 2, 3 और 4, 4 है, 4 में से आपको 3 मान होने चाहिए, तो देखो 1, 2 और 3 मान आगे हमारे पास, तो ये सभी मान सूत्र में लिखने हैं, हल करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो ए, अब एन, एन का मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब बेटा ए, ए का मतलब पहला पद कितना है, 10 प्लस एन, एन मतलब पदों की संख्या कितनी है, 30 माइनस 1। अब देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा लगा देंगे। अब डी, डी का मतलब सार्वंतर कितना है, माइनस का 3। हल करो, देखो ए 30 बराबर 10 प्लस, अब देखो 30 में से 1 गया, कितने बचे बेटा, 29 गुणा माइनस का 3। अब देखो ए 30 बराबर, पहले आपको गुणा करना है बाद में जोड़ करना है, ध्यान रहे इस चीज का, पहले गुणा करोगे बाद में जोड़ करोगे, तो पहले ये दोनों गुणा होंगे। तो देखो 10 प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस आएगा, और देखो 3, 9, 27 हासिल का 2, 3, 2, 6, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो ए 30 बराबर, अब देखो घटाएंगे 87 में से 10 घटाओ, 77, और 77 किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस किए, तो बताओ बेटा 30वां पद कितना आ गया आपके, 77 आ गया। आया समझ में, देखो इसका एक और शॉर्ट तरीका है, उससे भी आप कर सकते हो, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो कैसे, ध्यान देना इधर, अगर आपको ये कम समझ में आए तो एक शॉर्ट तरीका है, कैसे बना सकते हो, देखो ध्यान देना इधर, आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां, तो ए 30 ज्ञात करना है। अगर आपको 30वां ज्ञात करना है तो यहाँ लिखोगे ए प्लस 29d, ए कम करके, जैसा हमने कल उदाहरण किए थे उसमें किए थे, 30वां पद ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे ए प्लस 29d, मतलब इससे ए कम करके। ठीक है, अब देखो ए मतलब पहला पद कितना है आपके, 10 प्लस 29 इंटू डी, सार्वंतर कितना है आपके, माइनस का 3। देखो पहले गुणा करते हैं बाद में जोड़ करते हैं, तो देखो 10 का तो 10, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, अब 29 को हमने 3 से गुणा किया था, कितना आया था, 87 आया था। ठीक है ना, अब बताओ 87 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 77, और किसके बचेंगे, माइनस के। तो देखो हो गया ना, बहुत ही आसान, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो और इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज पूछिए, एनवा या व्यापक पद,
क्या ज्ञात करना है? एनवा पद। तो बेटा जब भी एनवा पद के लिए कहे तो आपको जो एन 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 की जगह एन ही लिखना है। एनवा पद ज्ञात करना है एन की जगह। देखो कैसे, देखो ध्यान देना इधर, ए एन का मान आपको एन ही लिखना है जब एनवा पद ज्ञात करना हो तो। ठीक है, बराबर ए, ए का मान बताओ बेटा, ए का मान कितना है? पहला पद कितना है? 10 प्लस एन की जगह आपको एन ही लिखना है, माइनस कितना? 1। अब गुणा में डी, डी का मान कितना? माइनस का 3। ठीक है ना, जब भी एनवा पद ज्ञात करना हो तो एन को आपको एन ही रखना है। ठीक है, अब देखो आगे हल करेंगे 10। अब देखो ये 3 अंदर गुणा हो जाएगा, ये 3 है ना, इसको अंदर गुणा कर देंगे तो देखो कैसे, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस, 3 अंदर गुणा करेंगे तो माइनस, ये प्लस माइनस, 3 को एन से किया तो 3n। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखो 10 प्लस माइनस माइनस 3n और प्लस का 3। अब देखो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 माइनस का 3n, तो आपके एनवा पद कितना आ गया? 13 माइनस का 3n आ जाएगा। आ गया समझ में? एनवा पद ज्ञात करना हो तो आपको एन की जगह एन ही लिखना है, बाकी पहला पद लिखना है, सार्वंतर लिखना है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक में भी पूछा जाता है। आया समझ में? अब देखो उदाहरण नंबर 5, समांतर श्रेणी मतलब शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? AP 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद 639 है? का कौन सा पद 639 है? जैसे 3 है, फिर 15 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 39 हो गया, फिर आगे कुछ नंबर हो जाएगा, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचना है? 639 तक। तो आपसे ये पूछ रहा है कि 639 कौन से नंबर पर आएगा, कितने नंबर पर आएगा? तो यहाँ भी आपको एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र ही लगाना है। कैसे? देखो ध्यान देना इधर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसने कहा है कौन सा पद, कौन सा पद मतलब n ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? n, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ये ज्ञात करना है तो आपको n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो देखो सबसे पहले a, पहला पद कितना है बेटा? पहला पद 3 है। फिर d, d कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था लगातार दो पद ले लो, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा दो। जैसे मैंने दोनों ले लिए तो 15 में से कितना घटाऊंगा? मैं 3 घटाऊंगा, तो 15 में से 3 घटाए तो कितने बच गए? 12। ठीक है, अब an, an का मतलब होता है अंतिम पद, और सबसे अंत में कितना है? 639। ठीक है, मान यहां लिखने हैं आपको सूत्र में, an कितना? 639 बराबर a, a कितना? 3 प्लस n करना है हमें ज्ञात, माइनस का 1, और d कितना है आपके? गुणा में 12। ठीक है, अब देखो आपको n का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? पक्षांतरण कर लेंगे, मतलब 3 को भी इधर लाएंगे, 12 को भी इधर लाएंगे और 1 को भी इधर लाएंगे। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले मैं 3 को लाऊंगा, तो 3 देखो बेटा यहाँ प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का, 339 माइनस 3। अब ये 12 गुणा में तो काय में आ जाएगा? भाग में, गुणा में किस में आ जाएगा? भाग में, बराबर में क्या बचेगा? n माइनस 1। इस 1 को भी हम इधर लाएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद लेके आएंगे। ठीक है ना, तो देखो हल करो, 639 में से 3 घटाओ तो आ जाएगा 636 बटा 12 बराबर n माइनस 1। अब 12 का भाग लगाएंगे इसमें तो 12 पंजो 60, 5 बार 3 बच गया, 36 हो गया, बार 3 36, तो कितने बार गया? 53 बराबर n माइनस 1। अब n का मान ज्ञात करना है, अब इधर लेके आओ माइनस के 1 को, तो माइनस का 1 इधर आएगा किस में हो जाएगा? प्लस में, तो 53 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? n, तो 53 और 1 कितना हो गया? 54 बराबर n। तो बताओ 639 कौन सा पद होगा? ये 54वां पद होगा। कौन सा पद होगा? 54वां। कितने नंबर पे आएगा ये? 54 नंबर पे आएगा आपके। आगे समझ में? नंबर 6, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, सेम उसी प्रकार का सवाल है, सवाल नंबर 5 की तरह। तो देखो समांतर श्रेणी मतलब AP क्या है आपके? 7, 13, 19 कहाँ तक है? 205 तक है।
अब इसमें हमें पदों की संख्या मतलब एन ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में आपको सूत्र वही लगाना है, एन वा पद। क्या होता है बेटा सूत्र? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। अब देखो हमें एन ज्ञात करना है, इसमें चार है, एक दो तीन चार, कोई सी भी एक ज्ञात करना हो ना तो बाकी तीन के माना अब हमारे पास होने चाहिए। देखो ए एन है क्या हमारे पास अंतिम पद, हाँ सबसे लास्ट में कितना है 205, तो ए एन बराबर है 205। ए मतलब पहला पद कितना है 7। अब एन हमें ज्ञात करना है, डी कैसे निकालते हैं, लगातार दो पद लेते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला घटा देते हैं, मतलब 13 माइनस 7, 13 में से 7 घटाओ कितने आएंगे 6 आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ मान लिखने सूत्र में ए एन कितना बेटा 205, ए कितना 7 प्लस एन में करना है ज्ञात, और गुणा में डी कितना है 6। अब देखो हमें एन का मान ज्ञात करना है, 7 को भी इधर लाएंगे, 6 को भी इधर लाएंगे और 1 को भी इधर लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे। देखो 205 ये प्लस का है, इधर आते किसका हो गया माइनस का, ये गुणा में है, इधर आते किस में हो गया भाग में, बराबर क्या बचा एन माइनस एक, ये एक भी इधर आएगा पर थोड़ी देर बाद आएगा। देखो हल करेंगे, 207 में से 205 में से 7 घटाओ तो ये बचेंगे आपके 198, ठीक है, भाग में 6, बराबर क्या हो जाएगा n माइनस एक। अब 6 का भाग लगाएंगे बेटा, 6 का भाग लगाओ, 36 18, एक बच गया फिर 18 हो गए, फिर 36 18 तो 33 बराबर क्या हो गया n माइनस एक। अब यहाँ से हमें n का मान ज्ञात करना है, एक को भी इधर ले आओ, एक माइनस का है, इधर आते किसका हो जाएगा प्लस का, 33 प्लस एक बराबर n, 33 और एक कितना हो गया 34 हो गया, तो n का मान कितना आ गया 34, मतलब इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद है, और 34 नंबर पे कौन आ रहा है 205 आ रहा है, आगे समझ में। अब देखो अगला वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ चुका है कई बार, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है 12, और 50वां पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान देना इधर इंपॉर्टेंट है, तीसरा पद 12 है तो तीसरे पद को आप क्या लिख सकते हो A3 बराबर 12, तीसरा पद है A3 लिख लिया, और 50वां पद 106, 50 मतलब A50 बराबर है 106, तो इसका 29वां पद ज्ञात करो, कौन सा पद ज्ञात करना है A29, कौन सा पद ज्ञात करना है बेटा 29। तो मैंने बताया था आपको कोई सा पद ज्ञात करने की 100 ट्रिक क्या है, अगर A29 ज्ञात करना है तो क्या लिखोगे A+28D, क्या लिखोगे A+28D, मतलब आपको कोई सा भी पद ज्ञात करना हो, एक तो आपके पास पहला पद होना चाहिए, एक आपके पास सार्वंतर होना चाहिए, अगर ये दोनों हैं तो आप कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो। अब बताओ हमारे पास पहला पद है क्या, नहीं है, हमारे पास सार्वंतर है क्या, वो भी नहीं है, तो पहले हम पहला पद ज्ञात करेंगे, फिर सार्वंतर निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे 29वां पद निकालेंगे, बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान देना इधर। बताओ बेटा A3 को आप कैसे लिख सकते हो, A3 को कैसे लिख सकते हो, A प्लस कितने डी 2D, कोई सा भी पद हो उसको 1D कम करके लिखो, जैसे यहाँ 29वां है तो 28D लिखा, ठीक है ना, तो तीसरे को लिख सकते हैं A+2D। अब बराबर में कितना दे रखा है 12 दे रखा है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। आप फिर दूसरा देखो A50, ठीक है, अब A50 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+ इसे एकम 49D बराबर कितना दे रखा है 106, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तीसरा पद है उसको लिख सकते हो A+2D बराबर 12 है तो 12 लिख दिया, 50वें पद को A+49D बराबर 106 है तो 106 लिख दिया, इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, जैसे 9th क्लास में था ना ये, वो कौन से समीकरण बोल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना, तो विलोपन विधि से हल करते थे, तो आपको क्या करना है समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, क्या लिखने पर, घटाने पर घटाना है, ठीक है ना। अब जब हम बीजगणित में बाकी करते हैं तो नीचे वाली संख्याओं का चिन्ह बदल जाते हैं, मतलब ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस का था सब माइनस के हो गए। अब देखो A+ का और A- का, A से A कट गया, ठीक है,
अब यहाँ देखो 49 तो है माइनस का और 2 है प्लस का, तो 49 में से 2 घटाएंगे तो 47 डी, और किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। अब आगे 106 में से 12 घटाएंगे, तो 106 में से 12 घटाओगे ना तो ये 106 में से, क्योंकि ये माइनस का है तो 106 में से 12 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 94, और 94 किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। अब देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, मान किसका ज्ञात करना है डी का, तो ये 47 गुणा में है ना, तो इधर भेज दो भाग में, तो डी बराबर 94/47। अब 47 का भाग लगाओ बेटा, 47 दुनी 94 होता है, दो बार भाग जाएगा इसका, डबल करोगे ना तो 2 आ जाएंगे, तो ये 2 बार, तो डी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। देखो हमारे पास डी आ गया, अब हमें क्या चाहिए ए, ए कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो डी का मान आया इसको या तो आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो किसका मान आ जाएगा ए का मान आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे बेटा डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हो तब भी उत्तर सही आएगा। देखो ए प्लस 2 गुणा डी, अब बताओ डी का मान कितना है बेटा 2 और बराबर में 12, ठीक है, ए प्लस 2 × 4 बराबर में 12, हमें ए का मान ज्ञात करना है 4 को उधर भेज देंगे, तो 4 प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 12 में से 4 घटाओ कितना आ गया आपके 8 आ गया, तो ए का मान आ गया 8 और डी का मान आ गया 2। अब ज्ञात कर सकते हैं 29वां पद, कैसे ज्ञात करते हैं ए 29 बराबर ज्ञात करते हो ए प्लस 28 डी, तो बताओ ए कितना 8 प्लस 28 गुणा डी का मान कितना 2, पहले करेंगे गुणा बाद में करेंगे जोड़, ये ध्यान रखना 8 प्लस 28 दुनी 56, ठीक है, अब बताओ 56 में जोड़ो 8 तो ये हो गया आपके 64, तो बताओ बेटा इसका 29वां पद कितना आ गया, वो आ गया आपके 64। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, एक बार नहीं आया हो तो 2 बार देखना, ठीक है, बहुत ही आसान है, उतारो। उदाहरण नंबर 8, क्या समांतर श्रेणी 3, 7, 11 .. का एक पद 184 है, ये बताना है आपको। देखो ध्यान देना इधर, आपको एपी दे रखी है, एपी है 3, 7, 11 ऐसे .. 184, इसमें एक आए जैसे 3 है, इसमें 4 जोड़ते 7, फिर 4 जोड़ते 11, फिर 4 जोड़ते 15, फिर 4 जोड़ते 19, फिर 23, ऐसे करते करते क्या इसमें 184 आएगा या फिर नहीं आएगा, ये आपको बताना है। तो हम कैसे पता करेंगे, सेम सवाल नंबर 6-7 की तरह करना है, मतलब हम n ज्ञात करेंगे, n पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, जब हम n ज्ञात करेंगे तो जब हम n का मान अगर प्राकृत संख्या आती है तो ये 184 इसका पद होगा, अन्यथा इसका पद नहीं होगा। प्राकृत संख्या से मतलब यूं समझो आपको, यदि बार पूरी पूरी बार जाता है तो ये वाला 184 इसका पद होगा, अन्यथा इसका पद नहीं होगा। कैसे, देखो ध्यान देना इधर, सबसे पहले तो सूत्र क्या है आपके, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, ए एन का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद ये रहा आपके, ए एन का मतलब 184, ए मतलब पहला पद, पहला पद ये रहा आपके 3, एन हमें ज्ञात करना है, डी का मतलब सार्वंतर, बताओ कैसे निकालते हैं, लगातार 2 पद लेते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब सभी मान सूत्र में लिखने हैं आपको, एन कितना बेटा 184, ए कितना 3, एन हमें करना है ज्ञात माइनस का 1 और गुणा में डी, डी का मान कितना 4। अब देखो एन का मान ज्ञात करना है, पहले 3 को इधर लाएंगे, फिर 4 को लाएंगे और थोड़ी देर बाद 1 को भी लेके आएंगे। देखो 184 ये प्लस का है तो माइनस का, ये गुणा में है तो भाग में, बराबर एन माइनस एक हो जाएगा। अब देखो 184 में से 3 घटाओ, 181/4 बराबर एन माइनस एक, अब हम इसका भाग देंगे ना, अगर भाग पूरी पूरी बार जाता है तो 184 इसका पद है, अगर भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है तो 184 इसका पद नहीं है। देखो ध्यान देना इधर, 181 में किसका भाग देंगे हम, 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16, 4 बार
ठीक है, कितना बचा? दो। कितना उतारा? एक। चार पांच बीस, पांच बार कितना बचा? एक। देखो बात गया क्या पूरी पूरी बात? नहीं गया ना। कितना शेष बच गया? एक शेष बच गया। इसका मतलब 184 इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। कब होता? जब ये भाग पूरी पूरी बार जाता। नहीं गया तो देखो भाग कितनी बार गया? 43 बार। शेष कितना बचा? एक। भाग किसका लगाया था? चार का। बराबर n माइनस एक। अब एक को भी इधर ले आओ। माइनस का किस में जाएगा? प्लस में। 43 से 1 बटा 4 प्लस का 1 बराबर में n। एक को 45 में जोड़ लो। 46 सही 1 बटा 4 बराबर में n। देखो जो n का मान है वो एक प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या क्या होती है? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 नहीं है। जैसे लोन जैसे यहाँ 46 होता या 47 होता तो एक प्राकृत संख्या थी। 46 से 1 बटा 4 प्राकृत संख्या नहीं है। हम क्या लिखेंगे? यहाँ n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, अतः 184 इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। आगे समझे? इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, ध्यान से समझना है। देखो ये वाला सवाल नंबर, उदाहरण नंबर 9, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं? मतलब आपको ये बताना है कि दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का पूरी पूरी बार भाग जाता है, ये बताना है आपको। तो हम क्या करेंगे? समांतर श्रेणी बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो मुझे बताओ दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ बेटा क्या होती है? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है ना? 10। और इसी प्रकार दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ बेटा, सबसे बड़ी दो अंकों की वो 99 होती है। अब हमें इनके बीच में देखना है कि 7 का भाग किस किस में जाता है। तो सबसे पहले देखो एफपी बनाएंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे। सबसे पहले क्या 7 का भाग 10 में जाता है? नहीं जाता। 11 में? नहीं। 12 में? नहीं। 13 में? नहीं। 14 में? हाँ जाता है। 7 × 14 पहले 14 में जाएगा, फिर 14 के बाद 15 में नहीं जाएगा, 16 में नहीं जाएगा, डायरेक्ट किस में जाएगा? 21 में। 7 का पारा बोलो, 7 × 21, फिर 7 × 28, ऐसे करते करते डॉट 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 डॉट, क्या आप 99 में 7 का भाग जाएगा? भाग देखे देखो, 99 में किसका भाग दोगे? 7 का। 7 × 7 कितना बचा? 2। कितना उतारा? 9। 7 × 28 कितना बचा? 1। शेष 1 बच गया, मतलब 99 में 7 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता। तो आप क्या करो, जो शेष बचा 99 में से घटा लो। 99 में से 1 घटाओ कितना बचा? 98। अब 98 में 7 का भाग जाएगा। 7 × 7 कितना बचा? 2। कितना उतारा? 8। 7 × 28 जरा है ना। तो 7 का भाग किसमें जाएगा? 99 में नहीं जाएगा, 98 में जाएगा। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है वो 14 है, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है वो 98 है। इस तरह से आपको समांतर श्रेणी बनानी है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना है। पहले दो अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो, फिर दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो। पहले छोटी संख्या में भाग लगा के देखो 7 का, तो सबसे पहले 14 में जाता है, फिर 21 में जाता है, फिर 28 में जाता है। अब बड़ी में लगाओ, 99 में भाग जाता ही नहीं है। शेष कितना बचता है? 1। 1 को 99 से घटा लो, 98 आया। 98 में भाग जाएगा 7 का, बन गए एपी। अब कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं मतलब n ज्ञात करना है, पदों की संख्या। तो सेम यही सूत्र लगाएंगे, कौन सा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ठीक है, अब ए का मतलब क्या होता है बेटा? अंतिम पद, ये आ जाएगा 98। ए का मतलब पहला पद कितना? 14। एन मुझे करना है ज्ञात, पदों की संख्या ज्ञात करनी है ना। और डी सार्वंतर कितना? भाग किसका दे रहे हो? 7 का। जिसका भाग दे रहे हो वही अंतर हो जाएगा, या लगातार दो पद ले लो, पीछे वाले में से घटा लो। 21 में 14 घटाओगे तब भी कितना आएगा? 7 ही आएगा। अब देखो एन का मान ज्ञात करना है, 14 भी इधर आएगा, 7 भी इधर आएगा, और 1 भी इधर आएगा। पहले 14 को ले लो, प्लस का है तो माइनस का, ठीक है, ये गुणा है तो भाग में, इधर क्या बचा? n माइनस 1। 1 भी आएगा पर थोड़ी देर बाद आएगा। बता बेटा 98 में से 14 घटाओ, ये बचेंगे आपके 84।
बटा सात एन माइनस एक। अब सात का भाग लगाओ, देखो सात एकम सात एक बच गया, चौदह हो गया, सात दूनी चौदह, ठीक है, कितने बार जाता है आपके बारह बार, बारह बराबर एन माइनस एक। एन का मान क्या करना है, इधर ले आओ एक को, माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर में एन, बारह बार एक कितना हो गया तेरह, बराबर में एन। तो बताओ दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें सात का भाग जाता है, तेरह संख्या हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण नंबर दस, समांतर श्रेणी तीन कोमा आठ कोमा तेरह डॉट दो सौ तिरपन के अंतिम पद से बीसवां पद ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एपी दे रखी है आपको, समांतर श्रेणी तीन कोमा आठ कोमा तेरह ऐसे डॉट दो सौ तिरपन तक है। अब ये कह रहा है अंतिम पद से बीसवां पद, अंतिम पद मतलब पीछे से, पहले तो आप कहां से ज्ञात कर रहे थे, आगे से गिनते, जैसे एक दो तीन चार पांच छह ऐसे करते करते बीस नंबर पे कौन आएगा, अब आपको अंतिम मतलब पीछे से यहाँ से एक दो तीन चार पांच ऐसे बीस नंबर पे कौन आएगा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आगे से ज्ञात करना है, और यदि अंत से या अंतिम पद से दे दिया जाए तो आपको पीछे से ज्ञात करना है। तो बेटा इसके लिए सूत्र अलग होता है, अंतिम पद से ज्ञात करना है तो उसके लिए होता है एल माइनस एन माइनस एक गुणा में डी, ये वाला सूत्र होता है आपके। अब देखो यहाँ एल का मतलब होता है अंतिम पद, एल का मतलब क्या होता है अंतिम पद, पहले यहाँ क्या होता था ए मतलब पहला पद, अब पीछे से कर रहे हैं तो पीछे वाला आएगा, अब पीछे से कर रहे हैं इसलिए यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बाकी आपके सूत्र सेम वही रहेगा। देखो एल का मतलब हो गया अंतिम पद मतलब दो सौ तिरपन, यही है एन मतलब पदों की संख्या, एन बराबर कौन सा पद ज्ञात करना है बीसवां, और डी का मतलब सार्वंतर, लगातार दो पद ले लो और पीछे वाले में से आगे वाला घटाओ, तो कितना आ गया पांच आ गया। मान लिखने हल करना है, बहुत ही आसान है, एल मतलब अंतिम पद कितना दो सौ तिरपन माइनस एन पदों की संख्या कितनी है बीस माइनस का एक और गुणा में डी, डी मतलब सार्वंतर कितना है पांच, ठीक है, दो सौ तिरपन माइनस, अब देखो बीस में से एक घटाओ उन्नीस, उन्नीस को किससे गुणा करोगे पांच से, उन्नीस पंजीय पिचानवे, ठीक है बेटा। अब हल करो इसको, दो सौ तिरपन में से पिचानवे घटाओ, देखो तीन में से पांच नहीं घटाए तो उधार लिया तो तेरह, तेरह में से पांच गए तो आठ, चार ही रह गए, चार में से नौ नहीं घटा सकते उधार लिया चौदह, चौदह में से नौ गए तो पांच उधार लिया एक ही रह गया तो कितना आ गया एक सौ अट्ठावन। मतलब पीछे से गिनोगे ना तो 20 नंबर पे कौन आएगा एक सौ अट्ठावन आएगा। आगे समझ में, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अंतिम पद से अगर कोई सा पद ज्ञात करना हो एक की जगह एन लिखना है प्लस की जगह माइनस लिखना है, बाकी वही है। अब देखो उदाहरण नंबर 11, 10 और 250 के बीच चार के कितने गुणज हैं, सवाल नंबर आपके नौ की तरह ही है, जैसे वो सात से कितनी संख्या विभाजित है इसी प्रकार यहाँ गुणज का मतलब यही है कि 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें चार का भाग जाता है, ये बताना आपको। अब देखो 10 में यहां भी हमें समांतर श्रेणी बनानी है, एपी बनानी है, एपी बनानी है समांतर श्रेणी। अब देखो चार का भाग 10 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, 12 में हाँ जाएगा, तो 12 में जाएगा, चार की 12 होता है, 12 के बाद किसमें 16 में, 16 के बाद 20 में, और ऐसे डॉट। अब 250 का देख लेंगे, इन दोनों के बीच में देखनी है जिसमें चार का भाग जाता हो, अब इन दोनों के बीच में 12 में जाएगा, 16 में जाएगा, 20 में जाएगा, फिर 24 में जाएगा, अब ऐसे क्या 250 में भी जाएगा क्या, चार का भाग छच्चों का 24, छह बार एक बच गया तथा जीरो, चार दूनी आठ, दो बार कितना शेष बच गया दो, शेष बच गया, भाग जा रहा है क्या पूरा पूरा नहीं जा रहा है ना, तो जो शेष बचा हो वो इसमें से घटा दो, 250 में दो घटाओ कितना बच गया 248, तो चार का भाग किसमें जाएगा 248 में जाएगा, भाग लगा के देख लेना आप लोग, ठीक है ना, लास्ट वाले नंबर में भाग करके देख लो, जो शेष बचे वो इसमें से घटा दो उसमें आपके भाग जाएगा, तो चार का भाग किसमें जाएगा 248 में जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में ये संख्या हो गए आपके। अब इसका क्या ज्ञात करना है, कितने गुणज हैं, मतलब यहाँ भी आपको n ज्ञात करना है, कितनी संख्याएं हैं जिसमें चार का भाग जाता है, ठीक है बेटा। तो n ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, ए एन का मतलब अंतिम पद, वो रहा 248। अब समझ में आ गया होगा आपके सभी,
पहला पद ये रहा 12, एन हमें करना है ज्ञात, डी कितने का फर्क है, अरे भाई 4 का गुणज है तो 4 ही आएगा, 16 में से 12 घटाओगे तो भी 4 ही आएगा, तो सीधा सीधा लिख सकते हो। अब एन का मान ज्ञात करना है, पहले 12 को लेके आओ, फिर 4 को लेके आओ, थोड़ी देर बाद 1 को भी लेके आओ, 248, ये प्लस का है तो माइनस का, ये गुणा में है तो भाग में, बराबर में एन माइनस एक। बाकी करो, देखो 2, 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, और ये 2 बटे में 4 बराबर एन माइनस का 1। अब भाग लगाओ 4 का, देखो 4 पंजियों 20, 5 बार जाएगा, 3 बच गया 36 हो गया, 9 चौका 36, 59 बार जाएगा, बार लगा लेना आप लोग, 4 का भाग 236 में 59 बार, बराबर एन माइनस 1। अब एन का मान ज्ञात करना है, अब 1 को भी इधर ले आओ, माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, 59 और 1 कितना हो गया 60, तो कितने गुणज हैं 4 के, 10 और 250 के बीच 60 गुणज हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे उदाहरण, तो आपको ये सभी ध्यान से समझने हैं क्योंकि इनमें से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है सवाल, ठीक है ना। और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मैंने एक नया माइक खरीदा है आज, माइक है तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ मेरी जो आवाज़ है वो कैसी है, पहले से बेहतर है या पहले से ख़राब है, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, उतारो।